देश में वक्फ बोर्ड की कमाई का 50% हिस्सा मुस्लिम परिवार के गरीब जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिया जाएगा। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं जो अभी तक कमेटियां आय का 7% ही चंदा बोर्ड को देती थी। 93% राशि प्रबंध समितियों के पास ही रहती है। अब बोर्ड इसका उपयोग समाज के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए करेगा और इसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी। कमेटी ही गरीब बच्चों का चयन कर प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान कर सकेगी और उसमें 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के लिए दी जाएगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी आय की एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीब बच्चे हैं जो बेहतर शिक्षा प्रणाली में हिस्सा लेना चाहते हैं, बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए योजना लेकर आई है कि 50% पैसा जो है उनकी पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी मौजूद है। सर, किस तरह का ये आदेश है और कितना फायदा बच्चों को यहाँ होगा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जिन दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को दान किया है, उन्होंने दान ही इसलिए किया है कि ये संपत्ति से आने वाली जो आय है ये गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, शिक्षा के काम आए। और कहीं ना कहीं हम उसके मूल उद्देश्य से भटक रहे थे। ये जो पैसा है, ये पैसा आने के बजाय चंद जो असामाजिक तत्व है, जो समाज विरोधी तत्व है या कहें गुंडा तत्व है, ये पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। जब से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, पुनः लगभग 1 वर्ष हुआ है, लगातार हम इस प्रयास में हैं कि कैसे वैधानिक स्रोतों से हमारी आय बढ़े, हम आत्मनिर्भर हों और आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो हमारी आय है उसका एक निर्धारित पैसा जो काबिल बेटे बेटियां हैं, जो योग्य बेटे बेटियां हैं, जो काबिल होने के बावजूद भी उनको आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देना पड़ता है या कहें कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रॉप आउट कैसे कम हो, मेघावी बेटे बेटियां कैसे पढ़े, वो राष्ट्र निर्माण में कैसे भागीदारी बने, इसके लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हम एक योजना बनाई है और उसका नाम दिया है कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। तो उसी के तहत हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम जो है वो वाकिफ की मंशा के हिसाब से हम पूरा कर पाएंगे। तो देखिए डॉक्टर सनवर पटेल जी, इनको साफ तौर पर कहना है कि जो दानदाताओं ने जो पैसा वक्फ बोर्ड को दिया है, जो जमीनें वक्फ बोर्ड को दी है, उससे जो संपत्ति आ रही है, जो आय होती है, उसका सही उपयोग हो, ये बहुत जरूरी है। कैमरा मैन मनीष संगर के साथ सैनन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमपी वक्फ बोर्ड ने एक नई बात कही है कि आय का 50% उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो किस तरीके से पूरा प्लान होगा? देखिए, बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को जो भी लोग संपत्तियां दान करते हैं उनके पीछे उद्देश्य यही होता है कि मुस्लिम समाज का विकास हो और उनका कल्याण हो। लेकिन कल्याण कैसे होगा, इस दिशा में सबसे बड़ा कदम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उठाया कि अगर जो गरीब तबके के बच्चे हैं यदि वो शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं समाज आगे विकास कर पाएगा। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक जो प्रावधान बनाया है उसके तहत जो कुल संपत्तियों से जो आय होगी उसका 50% जो खर्चा है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाएगा। देखिए, हर जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी ये तय करेगी जरूरतमंद बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का पैसा जो खर्चा है वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड उठाएगा। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा है वो भी 25,000 रखी है। देखिए, किसी भी परिवार के हाथ में ये पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस स्कूल जिस कॉलेज में वो बच्चा पढ़ेगा उसकी फीस हो, किताबें हो, ड्रेसेस हो, ये खर्चा जो है वो वक्फ बोर्ड उठाएगा। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि इसके पहले जो वक्फ बोर्ड का पैसा आता था वह बंदर बांट कर लिया जाता था, लेकिन जो दानदाताओं की मंशा थी, जिस हिसाब से उन लोगों ने जो संपत्तियां दान की थी उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में जब मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करने का काम जो है वक्फ बोर्ड करेगा। अब ये देखना होगा कितनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कब से इसकी शुरुआत होती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।